सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वह थोड़ा सा पीछे से हटके करेंगे कि देखिए ये संसार है, इस संसार में आखिर जो मालिक बनने की प्रथा या फिर जमींदार या फिर सबसे पहले ऐसा क्या हुआ होगा कि कोई पृथ्वी पर आया होगा और इस ज़मीन का मालिक हो गया होगा। जैसे आज लोग कहते हैं कि मैंने चाँद पर ज़मीन खरीद लिया, तो भाई चाँद पर तूने ज़मीन तो खरीद ली, तो बेचने वाला कौन था? चाँद पे तो कोई रहता ही नहीं है, और वहाँ कौन सा पैसा चलता है और उस पैसे से कौन क्या खरीदता है? बड़ी सोचने वाली बात है ना। कह देना कि मैंने ये खरीद लिया, किससे खरीद लिए, किस चीज़ से खरीद लिए, चलिए उसको छोड़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं। मैंने संपूर्ण निधि किताब को पढ़ा, उसमें पाया कि एक बात लिखी है कि देखिए आज ज़मीन के मालिक लोग हैं कैसे हुए होंगे, सबसे पहले ज़मीन किसकी रही होगी। तो अनुमानन ये लगाया गया हुआ कि आज से हजारों साल पहले मनुष्य जब घूमता रहा होगा उसे जानकारी हुई होगी कि नहीं ये तो अनाज है, भूमि में लगा देने से यह दोबारा उत्पन्न होगा, इससे नए अनाज उत्पन्न होंगे। तब उसके दिमाग में आया होगा खेती किया जाए, लेकिन खेती करने के लिए जमीन चाहिए और चारों तरफ जंगल ही जंगल रहा होगा, तो उसने पहले उस जंगल की कटाई की होगी, सारे जंगल साफ, और जितना जंगल साफ किया वो सब का सब जंगल साफ किया, अब कोई है ही नहीं तो वही मालिक हो गया। वो मालिक हो गया उस ज़मीन का सिर्फ साफ करने की वजह से, क्योंकि आबादी कम थी, जो जितने ज़मीन को साफ किया वो उसकी भूमि हो गई। अब ये हुआ होगा धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी होगी तो कुछ लोग आए होंगे, उन्हें भी तो जीने के लिए भोजन चाहिए, पहले खेती ही था, गाय बछड़े बकरी पालना था। अब जब वो खोजा होगा ज़मीन, अब ये पहला व्यक्ति आया तो उस क्षेत्र में तो अपना साफ सुथरा करके पूरी ज़मीन को साफ सुथरा करके वही मालिक बन गया है, तो अब उससे अनुमति लेना पड़ा होगा ना। तो उसने कहा होगा कि देखिए भाई साहब मैं थोड़ी सी, क्योंकि ये भी तो सोचा होगा जो प्रस्ताव रखा होगा कि भाई मुझे थोड़ी सी ज़मीन चाहिए ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं इस कृषि के माध्यम से। अब जो पहला साफ किया होगा तो सारी भूमि पर तो खेती नहीं करता रहा होगा, कुछ उसकी भूमि परती परती मतलब कुछ बोना खाना नहीं रहा होगा, परती रह गई होगी, तो कह दिया होगा ठीक है उधर जाओ उधर आप करो। उसके बदले में वो कहा होगा कि मेरे भरण पोषण के बाद जो चीज़ बच जाएगा मैं आपको ही को दे दूंगा, क्योंकि मैं आपकी भूमि पर कार्य कर रहा हूँ, भाई इसको साफ सुथरा किया तो आपकी भूमि हो गई है, मालिक आप हैं, तो मैं आप ही को दे दूँगा। वही प्रसन्न हो गया कि चलो यार इतने दिन से मेहनत करते मेहनत का फल मिलने लगेगा। अब देखिए वो ऐसे ही जितने ज़मीन को साफ किया था लोग उससे भूमि को मांगे, मतलब क्या हुआ मालिक हो गया, और जमींदारी प्रथा वहीं से स्टार्ट हो गई कि जमींदार बन गया वो। अब एक दिन ऐसा भी आया होगा उसे खेती करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी, जो जो लगाए होंगे वे लोग उससे खेत मांगे होंगे, अपना खेत दिया होगा और उसके एवज में वह उनसे जो मिल गया उसी से उसका परिवार चल दिया, और इस प्रकार से लोग ज़मीन के मालिक होते चले गए। अब मालिक है तो अधिपत्य भी तो होता रहा होगा। अब देखिए कहानी तो ऐसे ही लोगों ने सोचा और कल्पना किया, क्योंकि कोई तो रहा होगा, कल्पनाएँ कुछ हद तक सही भी होती हैं, पूरी सही तो नहीं कही जा सकती। जैसे लोग सोचते हैं सच में ईश्वर है या नहीं है, तो ईश्वर है या नहीं है तो इसको तरह तरह से प्रमाणित किया जाता है। ये फिर देखिए हवा बह रही है, हवा का तो हमने रूप नहीं देखा लेकिन कहते हैं ना हवा चल रही है, अरे उसको हाथ पांव गोड़ है क्या जो चलेगा, वो बह रही है, नदी है जो पानी की तरह बह रही है, लेकिन फिर भी
अपने अनुसार लोग कहते हैं हवा चल रही है, हवा बह रही है, इसको तो किसी ने देखा नहीं, फिर भी तो मान लेते हैं ना। तो एक तर्क हो जाता है कि देखिए ऐसे ही ईश्वर है जिस पृथ्वी पर संचरा, मतलब कि एक तरह से वो सबसे बड़ा मान सकते हैं मालिक है, इस ब्रह्मांड का मालिक है जो ब्रह्म है, और हम लोग उसकी कठपुतली है, जैसे चाहे वैसे नचाता है। जैसे किसी कंपनी में जितने कर्मचारी कार्य करते हैं उसका जो बॉस होता है, मालिक होता है, अपने कर्मचारी को जैसे चाहे जो कार्य करा सकता है, और कर्मचारी करता भी है। वो कहेगा आपको इतने बजे जाना है तो जाना है, इतने बजे आना है तो आना है। अब ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेज दिया, आपको जितने दिन यहाँ पर रहना है रहना है, बुलाएगा तो जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के। कोई तो सत्ता है ना। तो तर्क वितर्क होते रहते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ मान जाते हैं, क्योंकि भाई ऐसा नहीं कि जो आंखों से दिखाई दे और जो आंखों से सुनाई दे वही सत्य है। कभी कभी आंखों का देखा हुआ भी झूठ होता है, और कभी कभी कानों का सुना हुआ भी, मतलब गलत साबित हो जाता है। तो किस चीज़ को सत्य माने हम बताइए। लोग कहते हैं कि सूरदास आँख के अंधे होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण की जो लीला थी उसकी वर्णन को ऐसे किया है जैसे वो साक्षात भगवान के बाल लीला को अपनी आंखों से देखा हो। अब जिसके पास आँख ही नहीं हो वो तो छोटे बच्चे का भी दर्शन न किया होगा ना, कि पीले कपड़े में कैसा लगता है, कोई काला व्यक्ति है, कोई काला बच्चा हंस रहा तो कैसा लगेगा। लेकिन फिर भी अपने अनुसार उन्हें व्याख्या किया और लोगों ने उनको भक्ति रस का, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के रूप में माने जाने लगे हुए। भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि सूरदास जी माने जाते हैं, कि सूर सागर साहित्य लहरी की पुस्तकें हैं। कुछ लोग कहते हैं वो पूर्व जन्म में उद्धव थे, अब उद्धव थे या नहीं थे ये तो कल्पना है, लेकिन हाँ जिसको उन्होंने लिखा ये अद्भुत है। किसी की बाल लीला को आंख न रहते हुए लिख देना या वर्णन कर देना, क्योंकि हम जब किसी को देखते हैं उसके रूपों का वर्णन करते हैं तो ये होता कि मैंने देखा है, बिना देखे रूप का वर्णन कर देना ये तो अद्भुत है। जैसे स्वर्ग की कल्पना कोई करता है तो इतना कहता है वहाँ मीठी नदी बहती है, वहाँ कोई दुख ही नहीं है, तो ये कल्पना है, दुख है या नहीं है। जब गीता में पहले ही लिख दिया गया कि आत्मा को ना कोई काट सकता है ना जला सकता है, तो यही बात खंडित, आत्मा को दुख कहाँ से होगा, बतिया तो यहीं कट गई ना। आत्मा को ना कोई काट सकता है ना जला सकता है ना सुखा सकता है, तो आत्मा को जब वो जाता है नरक लोक में तो उसको कैसे प्रताड़ित कर सकते हो, कैसे जला देते हो, कैसे भूज देते हो, कैसे नरक में डालते हो, भाई यहाँ से बात कट जाती है। जब तर्क वितर्क करते हैं तो दम ये दिमाग जो है ना चकनाचूर होने लगता है कि क्या है यार, क्या गलत क्या सही है, तो वहाँ पर एक आधार मानना पड़ता है, क्योंकि आधार नहीं मानेंगे तो जीवन नहीं चलेगा। पृथ्वी देखिए किसी आधार पर टिकी नहीं है, बस ब्रह्मांड में ऐसे ही घूम रही और चल रही है, कोई आधार ही नहीं है, ब्रह्मांड में किस 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 दिशा में जा रहे कोई पता नहीं। व्यक्ति का भी है जीवन ऐसे ही चल रहा है, जन्म हो गया, ये नौकरी करनी वो करनी, करते करते फिर चला जाता है, क्या टिकता है। ये एक काल्पनिक हम बनाते हैं कि मेरी जॉब है इससे मेरी जीवन चल जाए चल जाए, ये नोट क्या है, क्या नोट से पेट भरता है, नहीं, इसी पृथ्वी से उगे हुए चीज़ों से ही हमारा पेट भरता है। यहाँ पर एक दूसरे की मुद्रा बनी है ताकि इससे हम सामान को खरीद सके और दे सके, जीवन यापन सही ढंग से हो सके, इसलिए इसको एक आधार बनाया गया, इसे मुद्रा बोलते हैं। हर देश की मुद्रा अलग अलग होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आधार नहीं है, जिनको हम सोच नहीं सकते हैं, हमारे दिमाग से परे है, तो वहाँ शांत हो जाना चाहिए, और आपको जैसा अच्छा लगे वैसा विचार करके जिस आधार पर रह सके उसी आधार के अनुसार जीवन को
यापन करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।